हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ओसवाल की तरफ से एलएमपी रिलीज हो चुकी है। एलएमपी वो हमारा लास्ट मिनट प्रिपरेशन बुक। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं रिवीजन के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। आप लोगों को पता होगा इस टाइम पर रिवीजन का टाइम चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट रिवीजन करना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं है कि बेस्ट बुक कौन सी है रिवीजन के लिए। चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओसवाल की जो एलएमपी बुक है, क्या ये आपके लिए बेस्ट होने वाली है रिवीजन के लिए। सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या आपको इसमें कंटेंट दे रखा है, सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लोग कंप्लीट देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट में, ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रखा है जो आप लोगों के 2024 बोर्ड एग्जाम है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए, किस तरह से आप लोग जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट वन पेपर सेट टू। ठीक है, जो आप लोगों के कुछ टाइम पहले जो है आप लोगों के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो रिलीज हुए थे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं सेट वन और सेट टू। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको मिल जाते हैं, साइंस के लिए आपको मिल जाते हैं, मैथमेटिक्स के लिए आपको मिल जाते हैं और सोशल साइंस के लिए आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले जो है सीबीएसई के ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं। टोटल मिला के तीन हो चुके हैं, अभी अभी आप लोगों के दो रिलीज हुए हैं। तो ये दो आपके जो रिसेंट वाले हैं ये आपको मिल जाते हैं इस बुक के अंदर। सेट वन और सेट टू नाम दे रखा है इनको। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पेपर के साथ आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको बुक में मिल रहा है, आपको क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर से आपको सॉल्यूशन के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का नाम इन्होंने दिया है मार्किंग स्कीम। ठीक है, फिर आप लोगों को जो है साइंस के लिए भी मार्किंग स्कीम दी है, इंग्लिश के लिए भी दी है, मैथमेटिक्स के लिए भी आपको मार्किंग स्कीम मिल जाएगी, मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा, और सोशल साइंस के लिए भी आपको मार्किंग स्कीम मिल जाएगी। ठीक है, ये 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो आपको मार्किंग स्कीम दे रखी है ओसवाल के अंदर, ये मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम होती है उसको मैच करती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, डिटेल में हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको दे रखी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो आप लोगों का इंग्लिश है, ठीक है, चारों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश दे रखा है, इंग्लिश में आपको क्या है रिविजन नोट्स दे रखे हैं और फिर माइंड मैप्स दे रखे हैं। ठीक है, एक स्कैन करने के लिए आपको क्यूआर कोड दे रखा है जिसकी मदद से कि आप लोग इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश हो चाहे आपका साइंस हो, सभी सब्जेक्ट के लिए आपको सेम कर रखा है। ठीक है, पैटर्न सेम है, तो आप लोगों को एक क्यूआर कोड दे रखा है जिसकी मदद से आप लोग जो है सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आपको सिलेबस दे रखा है ये सीबीएसई का जो ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस है उसको मैच करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आपका साइंस है, ठीक है, साइंस में भी आपको क्या मिलता है रिविजन नोट्स मिल जाते हैं, माइंड मैप्स मिलता है और आप लोगों को क्यूआर कोड मिलता है जिसकी मदद से आप लोग जो है सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से आपको और भी सब्जेक्ट के लिए दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी आपको सेम दे रखा है, मैथ्स के लिए भी आपको स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए, ठीक है, रिविजन नोट्स मिल जाते हैं, माइंड मैप्स मिल जाता है, क्यूआर कोड मिल जाता है जिसकी मदद से आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। सोशल साइंस के लिए भी सेम है, रिविजन नोट्स, माइंड मैप्स, फिर क्यूआर कोड आपको मिल जाता है सिलेबस डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो चारों सब्जेक्ट का आपको दे रखा है, चार सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंग्लिश हो गया आपका, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया और सोशल साइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो आप लोगों के जो आपके रिविजन नोट्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। ये साइंस का आपका, ये किसका आपका, साइंस सब्जेक्ट का आपको रिविजन नोट्स मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से आपको टॉपिक दे रखे हैं, प्रॉपर आप लोगों को जो है टेबुलर फॉर्म में आपको चीजों को दे रखा है। यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा टेबुलर फॉर्म आपको दे रखी है प्रॉपर सी। ठीक है, इसके मदद से आप लोगों को चीजों को ज्यादा इजीली याद होता है और आपको एक प्रॉपर याद होता है। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपरली जो है चीजें याद होती हैं, तो काफी अच्छे से टेबल फॉर्म में इन्होंने चीजों को समझाया है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रॉपर नोट्स हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के नोट्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके माइंड मैप्स, माइंड मैप्स आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, माइंड मैप्स क्या करते हैं, चीजों को जल्दी से याद रखने में, ठीक है, चीजों को लंबे समय तक याद रखने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे माइंड मैप्स। ठीक है, रिवीजन नोट तो आपको डिटेल नोट्स हो गए, इसके अलावा जो आपको माइंड मैप्स दे रखे हैं एक पेज के अंदर, ठीक है, वन पेज में आप लोगों का जो है चैप्टर खत्म कर रखा है, मतलब पेपर से एक दिन पहले जब आप लोग रिवाइज करोगे तो माइंड मैप आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ये आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी सेम आपको, ठीक है, आप लोगों को क्या है रिविजन नोट्स दे रखे हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, रिवीजन नोट्स में आपको क्या है फॉर्मूला समझा रखा है, आपको कोई थ्योरम है उसको समझा रखा है, कोई कॉन्सेप्ट है उसको समझा रखा है, ठीक है, माइंड मैप की मदद से। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का माइंड मैप है, ठीक है, माइंड मैप्स में भी आपको क्या मिल जाता है फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है फॉर्मूले के अलावा आपको यहाँ पे क्या मिल जाते हैं थ्योरम्स मिल जाती है, जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो आप लोगों को बताया था, मतलब एक तरह से उसका जो आपका कंक्लूजन होता है ना थ्योरम का, वो आपको माइंड मैप के अंदर देखने को मिलता है।
जो आप लोगों का नोट्स है ठीक है, वहां पे आपको क्या मिलता है, जो आप लोगों की थ्योरम है उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं प्रॉपर ठीक है। बट माइंड मैप्स में क्या आप लोगों का जो थ्योरम्स हैं उसकी कंक्लूजन पार्ट आपको बताया जाता है ठीक है, क्या आपका कंक्लूजन पार्ट होगा वो चीजें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग देख रहे होंगे सोशल साइंस के लिए भी सेम आपको दे रखा है ठीक है, नोट्स आपको दे रखे हैं अच्छी क्वालिटी के आपको नोट्स दे रखे हैं, इसके अलावा ठीक है रिविजन नोट्स के अलावा आपको यहाँ पे ठीक है माइंड मैप मिल जाता है, जिस तरह से आपको साइंस में दे रखा था मैथ्स में दे रखा था उसी तरह से आपको सोशल साइंस में भी माइंड मैप मिल जाता है, हर एक चैप्टर के आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे ठीक है। इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें, इंग्लिश में भी आपको क्या है रिवीजन नोट्स मिल जाते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, फिर आप लोगों को रिवीजन नोट में आपको क्या है जैसे ग्रामर को भी आपको दे रखा है, लिटरेचर का तो दे ही रखा है आपको, ग्रामर का भी आपको रिवीजन नोट मिल जाता है ठीक है। प्रॉपर आपको कम पेजों में जो है आप लोगों की ग्रामर को कंप्लीट किया है इन्होंने ओसवाल वालों ने ठीक है। इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक है, आप लोगों को जो एडिशनल मटेरियल है उसमें आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे आपको कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाते हैं, मतलब आप लोगों का जैसे कोई टॉपिक है पर्टिकुलर टॉपिक उसमें आप लोगों का कोई कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ठीक है, वो आप लोगों को बता रखा है। कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए आप लोगों को क्यूआर कोड को स्कैन करना है, जो आपको क्यूआर कोड दे रखा है इसको आप लोग स्कैन करोगे तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर टॉपिक की जो है वीडियो मिल जाएगी ठीक है, तो ये काफी ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ठीक है आपको निमोनिक्स देखने को मिलते हैं, निमोनिक्स आपको क्या है चीजों को लंबे समय तक ठीक है चीजों को लंबे समय तक याद करने में आपको हेल्प करेगा, मेमोराइज करने में आपको हेल्प करेगा निमोनिक। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कीवर्ड्स ठीक है, कीवर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब इस बार क्या है ओसवाल की बुक में जो ओसवाल की एलएमपी है उसमें काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है ठीक है, कीवर्ड आपको यहाँ पे दे रखे हैं, कीवर्ड में आपको क्या बताया ठीक है, जो आप लोगों की डेफिनेशन है उसमें आपको क्या क्या वर्ड्स को यूज करना है, किस तरह से आपको डेफिनेशन लिखनी है, वो सब चीजें इस कीवर्ड में आपको बताया, मतलब की पॉइंट्स ठीक है, की पॉइंट्स का आपको यहाँ पे चीजों को बताया है। अगर आप लोग इनको नहीं लिखोगे तो आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपको यूज करने हैं डेफिनेशन में ठीक है, कोई भी आप लोगों का प्रिंसिपल है उसमें आपको यूज करना है, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर आप लोगों का जो की फैक्ट है ठीक है, की फैक्ट भी आपको दे रखे हैं एडिशनल मटेरियल के अंदर ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पता चलता है ठीक है, जो भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट होते हैं उसका जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है उसको इन्होंने कहा है की फैक्ट का नाम दिया ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ठीक है, व्हेन यू मिक्स ठीक है, व्हेन यू मिक्स एसिड विद वाटर तब क्या होगा, या फिर आप लोग अगर एसिड में वाटर को मिक्स करते हो या वाटर में एसिड को मिक्स करते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, वो चीजें आपको यहाँ पे की फैक्ट में समझाई गई है ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों की कीटम है ठीक है, की टर्म भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कौन से प्रिंसिपल की हेल्प लगेगी ठीक है, कौन सा जो आप लोगों का प्रिंसिपल है उसकी हेल्प लगेगी, कौन सा आपका ठीक है डेफिनेशन की, कौन से आपके लॉ की जरूरत पड़ेगी, ये सब चीजें की टर्म में आपको यहाँ पे बता रखी है, तो ये भी मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये चैप्टर वन जो आप लोगों का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वहां पे यूज होता है, इक्वेशन हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं तो वो आपको यहाँ पे बता रखा था की टर्म में, तो ये मैंने उससे ठीक है पार्ट लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एडिशनल मटेरियल के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है, कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाते हैं, निमोनिक्स आपको देखने को मिलते हैं, कीवर्ड आपको देखने को मिलते हैं, की फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं, की टर्म आपको देखने को मिलते हैं, सभी चीजों को हम लोग जो है डिटेल में अभी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं प्राइस ठीक है, प्राइस क्या रहने वाला है इस बुक का, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 480 रुपीज, 480 रुपीज में आपको ये बुक मिल जाती है। अगर आप लोग जो है लिंक ठीक है, जो लिंक है हमारा जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया उससे अगर आप लोग इसको परचेस करते हो तो आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस पे बुक मिल जाती है, तो आप लोग जाके परचेस कर सकते हो उस लिंक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग देख रहे होंगे नंबर ऑफ पेजेस की अगर हम लोग बात करें, कितने पेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस बुक के अंदर, तो 224 ठीक है, 224 पेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस बुक के अंदर ठीक है। तो ना ये ज्यादा मोटी बुक है ना ज्यादा पतली बुक है, लास्ट टाइम पे आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है रिविजन करने में। इसके अलावा बात करते हैं अपडेटेड है या नहीं है ठीक है, जो आप लोगों के 2024 बोर्ड एग्जाम है उसके हिसाब से ठीक है ये अपडेटेड बुक है या नहीं है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल ये अपडेटेड है ठीक है, ये वाली आपकी जो बुक है ठीक है ओसवाल एलएमपी जो आप लोगों की बुक है बिल्कुल अपडेटेड है ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो आप लोगों का सिलेबस था 2023-2024 ठीक है उसके हिसाब से बिल्कुल ये अपडेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग देख रहे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूजन ठीक है, कंक्लूजन में हम लोग बात करते हैं ठीक है, क्या आपको इस बुक को परचेस करना चाहिए ठीक है, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, वैसे आप लोगों ने खुद ही डिसाइड कर लिया होगा कि आप लोगों को इस बुक को परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग इस बुक को परचेस करने जा रहे हो नहीं करने जा रहे हो ठीक है, डिटेल में आप लोग बताना अगर आप लोगों ने परचेस की है तो कैसी लगी आपको ये बुक, तो आप लोग जरूर से कमेंट करना ताकि और स्टूडेंट की भी हेल्प हो पाए, वैसे वीडियो सफिशियंट है
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कंक्लूजन में बेस्ट नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ ये बुक आप लोग परचेस कर सकते हो। इसके अलावा ठीक है यहाँ पे आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलता है जो कि अपडेटेड है 2024 बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से है, ठीक है। तो आप लोग इस बुक को जाके परचेस कर सकते हो, अपडेटेड स्टडी मटेरियल आपको मिल जाते हैं, और शायद ही ऐसी कोई बुक आपको मिलेगी जिसमें सीबीएसई के सैंपल पेपर जो रिसेंटली रिलीज हुए हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर उनका सॉल्यूशन भी मिलता है, पेपर भी आपको मिलते हैं, मतलब क्यूआर कोड का झंझट आपका खत्म है, ठीक है। इस बार आपको ज्यादा क्यूआर कोड नहीं दिए गए हैं, जो आप लोगों का सॉल्यूशन है वो बुक के अंदर ही आपको मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एडिशनल स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओल्डेस्ट पब्लिकेशन है, ठीक है। आप लोग जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पब्लिकेशन है, और इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके नोट्स होते हैं वहां से काफी सारी चीजें जो है आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो आप लोग जाके इसको परचेस कर सकते हो, मेरी तरफ से आप लोगों को थम्स अप है, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा अगर आप लोगों को इस बुक को परचेस करना है, ठीक है, आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा, आप लोग वहां से जाके परचेस कर सकते हो, वहां से आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये बुक मिल जाएगी। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।